वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? थ्योरी ऑफ इक्वेशंस की इस सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे थ्योरी ऑफ इक्वेशंस पर। लास्ट टाइम हमने थ्योरी ऑफ इक्वेशंस को स्टार्ट किया था फर्स्ट वीडियो में, और उसमें हमने कुछ बेसिक थिंग्स आपको बताई थी थ्योरी ऑफ इक्वेशन में, किस तरह से हम रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशेंट्स फाइंड आउट करते हैं। उसके कुछ वेज मैंने आपको बताए थे, कुछ फार्मूले आपके सामने प्रस्तुत किए थे, तो आज हम उन्हीं फार्मूलाज को यूज करके प्रॉब्लम्स कुछ सॉल्व करने वाले हैं जी। देखिए जी, ये है प्रॉब्लम मेरे सामने, और इसमें मुझे बोला गया फॉर्म द इक्वेशन ऑफ लोएस्ट डिग्री विद रियल कोफिशेंट्स विच हैज 1+3 iota and 2-iota as two of its roots। ठीक है, तो मुझे बोला गया कि two of its roots one plus three iota and 2-iota आर द टू गिवन रूट्स, राइट। अब आपको क्या मालूम है, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कि कॉम्प्लेक्स रूट्स आर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्जुगेट पेयर्स। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि 1+3 iota इज वन ऑफ द रूट, देन डेफिनेटली 1-3 iota विल बी द अनदर रूट। ये रूट होगा ही होगा, राइट। 1+3 iota गिवन है हमें, इट मीन 1-3 iota इज ऑल्सो देयर। 2-iota इज गिवन, 2+iota विल ऑल्सो बी देयर। तो डेफिनेटली अगर ये दो रूट गिवन है तो दो और प्रोड्यूस हो जाएंगे मेरे पास। इट मीन वो जो इक्वेशन आपको बनाना है उसके लिए बोला लोएस्ट डिग्री। अब लोएस्ट डिग्री तो 4 बन सकती है जी, क्योंकि 4 रूट्स तो ये कंपलसरी, 2 रूट्स गिवन है, 2 रूट्स मैंने बोला कंपलसरी होते हैं। तो हमने क्या बोला, दिस 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 आर द 4 रूट्स। तो छोटी से छोटी यानी लोएस्ट डिग्री की जो इक्वेशन है, ये 4th डिग्री की इक्वेशन मेरे पास बनने वाली है, ठीक है। तो एटलीस्ट 4 रूट्स विल बी देयर, इससे ज्यादा हो सकते थे लेकिन कम से कम 4 तो जरूर होंगे ही होंगे, क्योंकि 1+3 iota 2-iota आर द 2 गिवन रूट्स। तो डेफिनेटली 2+iota एंड 1-3 iota डेफिनेटली विल बी द अनदर रूट ऑल्सो। आइए अब इक्वेशन बनाते हैं। नाउ the equation with above roots, वो equation बनाना है मुझे जिसके ये roots होंगे, कितने हैं जी, 4। definitely 4th degree की equation बनने वाली है मेरे पास। कैसे लिखना है जी मुझे, x minus का sign और जो root मुझे given है उसको लिख लीजिए। एक फैक्टर ये बन गया जी मेरे पास, दूसरा फैक्टर x माइनस 1-3 iota, देन x माइनस 2-iota एंड x माइनस 2+iota इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास इक्वेशन बनेगी जी। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं तो देन व्हाट कैन आई राइट, x माइनस 1 एंड देन माइनस 3 iota, देन x माइनस 1 प्लस 3 iota, अनदर 1 x माइनस 2 प्लस i
एंड एक्स माइनस टू माइनस आई इक्वल्स टू जीरो। तो इसे जब आप मल्टीपल करेंगे इन दोनों ब्रैकेट्स को तो आई विल गॉट एक्स माइनस वन स्क्वायर माइनस नाइन आई स्क्वायर। मल्टीपल ऑफ दीज टू ब्रैकेट्स, पहले दो ब्रैकेट्स को मैंने मल्टीपल किया, सेकेंडली एक्स माइनस टू स्क्वायर एंड देन माइनस आई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, और वी कैन राइट इट एज एक्स माइनस वन स्क्वायर, आई स्क्वायर इज माइनस वन विच मेक इट प्लस नाइन, देन एक्स माइनस टू स्क्वायर एंड प्लस वन इक्वल टू जीरो, राइट। अवर रिजल्ट इज एक्स माइनस वन स्क्वायर प्लस नाइन एक्स माइनस टू स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम है, मुझे मालूम है, ऑलरेडी हमने आपके साथ डिस्कशन किया, वन प्लस थ्री आयोटा इज वन ऑफ द रूट, वन माइनस थ्री आयोटा विल डेफिनेटली बी द अनदर रूट बिकॉज दीज आर द कॉम्प्लेक्स रूट्स एंड कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑलवेज अकर इन कॉन्जुगेट पेयर्स। टू माइनस आयोटा इज वन ऑफ द रूट, टू प्लस आयोटा विल डेफिनेटली बी देयर। इज इट फाइन? राइट। आइए और प्रॉब्लम देखेंगे कुछ, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं, देखते हैं क्या है वो प्रॉब्लम। आइए जी नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है मेरे पास फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोएस्ट डिग्री, उसी तरह से पिछले जैसे क्वेश्चन की तरह है, विद रेशनल कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स आर रेशनल, हैविंग टू प्लस रूट थ्री एंड रूट फाइव माइनस टू एज टू ऑफ इट्स रूट्स। इस तरह के रूट्स जिसके अंदर आपके पास कुछ ऐसी क्वांटिटी हो विच आर इरेशनल, तो ऐसे रूट्स भी पेयर की फॉर्म में मिलते हैं। तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह हमको लेट टू प्लस रूट थ्री टू माइनस रूट थ्री, इसी तरीके से नेगेटिव टू प्लस रूट फाइव एंड नेगेटिव टू नेगेटिव रूट फाइव आर द फोर रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ लोएस्ट डिग्री, यानी लोएस्ट डिग्री की इक्वेशन फोर डिग्री की तो बनने वाली है ही है। आसान हो गया प्रॉब्लम, अब सारे रूट्स मुझे पता चल गए, इक्वेशन में इजीली बना सकता हूं जी। कैसे? एक्स माइनस टू प्लस रूट थ्री एंड देन एक्स माइनस टू माइनस रूट थ्री, देन एक्स माइनस माइनस टू प्लस रूट फाइव एंड एक्स माइनस टू सॉरी माइनस टू माइनस रूट फाइव इक्वल्स टू जीरो। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब क्या रह गया? ओनली द सिंप्लीफिकेशन। क्या लिखना है आपको? एक्स माइनस टू माइनस रूट थ्री एंड देन एक्स माइनस टू प्लस रूट थ्री इंटू एक्स जस्ट नोट यहां पर इज इट फाइन? राइट राइट राइट। दिस इज एक्स प्लस टू माइनस रूट फाइव एंड देन एक्स प्लस टू प्लस रूट फाइव, करेक्ट।
what will be the simplification? X minus 2 square negative root 3 into root 3, that gives you 3 only. Second bracket will x plus 2 square and minus root 5 square mean 5. This is the required equation. Very simple. Easily मुझे obtain हो गया वो equation which have these two types of roots. तो then मैंने क्या बोला, 2 plus root 3 is one of the root, 2 minus root 3 will definitely be the root, minus 2 plus root 5 is the given root, then minus 2 minus root 5 will be the another root. तो lowest degree मेरे पास fourth degree का equation बनने वाला है जो आपके सामने हमने बनाया था. आइए और प्रॉब्लम देखेंगे. दिस इज द इक्वेशन टू बी सॉल्व. इसे सॉल्व करना है मुझे. क्या गिवन है इसमें? सॉल्व द क्यूबिक इक्वेशन 2x³ माइनस 9x² प्लस 12x माइनस 4 इक्वल्स टू 0. इसे सॉल्व करना है. लेकिन एक रेस्ट्रिक्शन भी है मुझे. गिवन दैट टू ऑफ इट्स रूट्स आर इक्वल, टू ऑफ इट्स रूट्स आर इक्वल, कम टू द सॉल्यूशन. आपने देखा क्यूबिक इक्वेशन है, डेफिनेटली देयर विल बी थ्री रूट्स, तीन रूट्स होंगे, लेकिन उनमें से दो रूट्स आपको इक्वल गिवन है. तो मैंने क्या किया, लेट अल्फा अल्फा एंड बीटा टू रूट्स को मैंने इक्वल सपोज कर लिया. अल्फा अल्फा एंड बीटा आर द थ्री रूट्स ऑफ द इक्वेशन. अल्फा अल्फा एंड बीटा आर द थ्री रूट्स ऑफ द इक्वेशन. अब हमें जो इक्वेशन गिवन है विच इज 2x³ माइनस 9x² प्लस 12x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, देन सम ऑफ रूट्स, जिसे आप सिग्मा 1 सपोज किया था, विच विल बी अल्फा प्लस अल्फा प्लस बीटा विच इज माइनस दिस अपॉन 2 मीन प्लस 9 अपॉन 2. इट मीन आपके पास आया 12 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 2. तो आपके पास बीटा कितना आ गया जी, दिस बीटा इक्वल्स टू 9 अपॉन 2 माइनस 2 अल्फा. बीटा इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 2 माइनस 2 अल्फा. दिस इज वन ऑफ द इक्वेशन. सेकेंडली अगर मैं सिग्मा 2 की बात करूं, उसका क्या मीनिंग होता है, टेकन 2 एट ए टाइम. तो एक टाइम में दो दो को ले लीजिए, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा इंटू बीटा, अनदर अल्फा इंटू बीटा विच इज 12 अपॉन 2, दिस अपॉन 2, नेगेटिव साइन नहीं होता उसमें, 12 अपॉन 2 विच मीन 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 6. अब बीटा का वैल्यू अगर मैं यहां से सब्सिट्यूट कर लूं तो देन व्हाट आई गेट, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा एंड बीटा इज 9 अपॉन 2 माइनस 2 अल्फा इज इक्वल्स टू 6. सिंप्लीफाई करें, अल्फा स्क्वायर ये देगा मुझे 9 अल्फा ना, इट विल गिव मी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 9 अल्फा माइनस 4 अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 6, राइट. इट गिव्स मी नेगेटिव 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 9 अल्फा माइनस 6 इक्वल्स टू 0. अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 2 इक्वल्स टू 0. अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0.
अब अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो इक्वेशन से अल्फा की वैल्यूज निकलेंगे, फैक्टर हो जाएंगे मेरे पास, अल्फा माइनस टू अल्फा माइनस वन इक्वल्स टू जीरो विच गिव्स मी अल्फा इज इक्वल्स टू टू और अल्फा इज इक्वल्स टू वन, दो वैल्यूज मेरे पास आ गई। अब ये जो अल्फा का वैल्यूज दो मेरे पास आई, क्या ये दोनों सेटिस्फाई करती हैं इस इक्वेशन को, स्टार्टिंग वाली गिवन इक्वेशन को, या कोई एक करती है, तो उसको मुझे चेक करके देख लेना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने चेकिंग करना है जी, मेरे पास जो इक्वेशन गिवन है दैट इज टू अल्फा सॉरी टू एक्स क्यूब माइनस नाइन एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो। अब अगर इसमें वन सब्सिट्यूट करूं फॉर चेकिंग, तो मैंने वन पुट करके देखा जो अल्फा का वैल्यू मेरे पास आया, कितना आ गया जी, दिस इज टू माइनस नाइन प्लस ट्वेल्व माइनस फोर, कितना आ गया, ना 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 इट डज नॉट गिव जीरो, इससे जीरो तो मेरे पास नहीं आता जी, इज इट फाइन। अल्फा इक्वल टू वन नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन, लेकिन अगर मैं अल्फा इक्वल टू टू सब्सटीट्यूट करूं तो देखते हैं, टू टू क्यूब माइनस नाइन टू स्क्वायर प्लस ट्वेल्व टू माइनस फोर सिक्सटीन थर्टी सिक्स ट्वेंटी फोर माइनस फोर 16 एंड 24 दैट इज 40 एंड माइनस 40, इससे जीरो आ गया मेरे पास, अल्फा इक्वल टू 2 सेटिस्फाई हो गया। तो सो अल्फा का वैल्यू मेरे पास 2 आ गया। एक दूसरा रूट जो कि इसके इक्वल है दैट इज आल्सो इक्वल टू 2, इसके बाद रह गया मेरे पास दूसरा रूट जो कि बीटा था, और वो बीटा मैंने पुट किया था 9 अपॉन 2 माइनस टू अल्फा, तो नाइन अपॉन टू माइनस टू इंटू अल्फा इज टू, तो नाइन अपॉन टू माइनस फोर विच इज कितना, वन अपॉन टू, राइट। तो आपके पास जो तीन रूट्स थे, सो द थ्री रूट्स आर टू टू एंड वन बाई टू, दे आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन है, डेफिनेटली इट विल गिव्स यू थ्री रूट्स, टू आर इक्वल, दो इक्वल गिवन है, अनदर इज वन बाई टू, द थ्री रूट्स आर दिस दिस एंड दिस, दिस इज द रिजल्ट, इज इट फाइन। तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो, और प्रॉब्लम्स धीरे धीरे और वीडियोस के माध्यम से मैं आपके सामने पहुंचाऊंगा। आप सारी वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी इन्हें देखने की सलाह दीजिए जिसको भी ज़रूरत हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।